हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ हाँ, मुझे पता है कि थोड़ी सी लेट हो गई व्लॉग आने में, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना बिज़ी थी और मैं वही सब आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हम लोग निकल चले थे 2 से 2:30 बजे के करीब यहाँ, क्योंकि हमें ना जाने के लिए सिलीगुड़ी से जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे थे वो लोकेशन 2 से 3 घंटे जाने में लिए चाहिए होता है नॉर्मली। और अभी तो बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा और टाइम लेके हम लोग को चलना पड़ेगा, और वो आर्मी रिस्ट्रिक्टेड भी एरिया है जिसके वजह से हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग सोचे तो थे कि थोड़ी सी और सुबह निकल चले, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बट एनीवे, चलिए निकलते हैं। ये रोड तो आप लोगों को जाना पहचाना लग ही रहा होगा, क्योंकि ये वही गुलमा है जिसके ब्लॉग मेरे चैनल पे है। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी, आप लोग वो वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। और ये हम लोग गुलमा टी स्टेट होते हुए आ गए हैं हमारे दार्जिलिंग वाले रोड पे। और आप लोग देख ही सकते हो कि बारिश तो स्टार्ट हो चुकी थी यहीं से। और यहाँ से स्टार्ट होती है जंगल की वो ब्यूटी, जो ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ मानसून में ही देखने को मिल सकती है। और ये रोड ही दूर तरफ से जंगल और बीच में से ये रोड और ऐसा मौसम, आई जस्ट लव इट। और मुझे पता है कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। देखिए पहाड़ों के ठीक नीचे से एक नदी बह रही है, और ये पहाड़ पूरे बादलों से ढका हुआ, और ये मौसम, मतलब मैं इसे बोल के ना आपको ये समझा नहीं सकता कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी उस टाइम पे। और इसीलिए मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे मौसम में कोई भी आ रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा सावधान, क्योंकि उसी वक्त हमें ना अंकल के पास एक फ़ोन आया कि वहाँ पे ऊपर लैंडस्लाइड हो रखा है, तो हम लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ा इसके लिए, नहीं तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे। तो बी केयरफुल अगर आप मानसून में आ रहे हो तो।
और ये हम लोग अब पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं। ये पहाड़ के बिल्कुल सामने है। वो देखिए दिख रहा है गेट, और यहाँ से हम लोग अब धीरे धीरे चलेंगे ऊपर। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही क्या देखने को मिला हमें, एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। और फिर हम लोग ऊपर और चढ़ने लगे, और ये देखिए ये शुरू हो गए जो नज़ारे, बादल और उसके छोटे छोटे से शहर, छोटे छोटे से घर, और ये ब्यूटी अमेजिंग। और ये देखिए एक और वाटरफॉल्स, मतलब पहाड़ों की ना ये बात अलग ही होती है, आप कुछ कुछ दूर पे एक वाटरफॉल आपको दिख जाता है, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ऐसा लगता है कि हर एक जगह बैठ के ना 2-3 घंटे बिताएं, थोड़ा चाय पिए, पूरा मौसम का इंजॉय करें। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हम लोग बैठ नहीं सकते थे, तो हम लोग चलते चलते ही इंजॉय कर रहे थे इस रोड को। तो चलने के बाद ना हमें दिखा ये जगह, और ये व्यू पॉइंट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं ना यहाँ आधे घंटे फिर भी रुक गई कि मुझे यहाँ पे थोड़ी देर बैठना है, कि यहाँ की जो ब्यूटी आप देखिए, व्यू आप सबको दिखाते हैं। से नीचे आपको वो नदी और शहर भी दिख रहा होगा, नीचे मैं दिखाती हूँ सबको। ये देखिए पूरा व्यू, और ये पूरे बादल लगे थे ऊपर पूरे। आप सबको लग रहा होगा कि जगह बहुत ही रिस्की है यहाँ खड़े होने के लिए, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह देखने के लिए इतना रिस्क तो बनता है। कोई बात नहीं, अगर आप जा रहे हो तो ये व्यू पॉइंट इंजॉय करना बिल्कुल मत भूलिए, ये व्यू पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये व्यू पॉइंट इंजॉय करने के बाद हम लोग वापस से चले अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ये बैठ गए हम लोग गाड़ी में। और ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था ना कि कितने बादल जो लगे हैं ऊपर, तो अब हम लोग चले थे उसी बादलों के अंदर से। और ये देखिए हम लोग कर्शियम क्रॉस करते हैं, और अब शुरू होगा, ये देखिए बादल पूरे भरे हुए, इतने बादल थे कि जो कार ड्राइव कर रहे थे अंकल ना, उनको भी बहुत ही प्रॉब्लम आई थिंक हो रहा था, क्योंकि बादल इतना ज़्यादा था और जितनी भी गाड़ियाँ चल रही थी बहुत ही धीमे चल रही थी, सबकी लाइट्स भी चल रही थी तो भी दिख नहीं रही थी, इतना ज़्यादा बादल था। हाँ मुझे पता है कि ये रिस्की है, लेकिन ये मौसम का एक अलग ही मज़ा है। और ये देखिए कितना सुंदर, कितनी अच्छी व्यू है ये। एंड फ्रेंड्स, मैं जिसकी बात कर रही थी, ये देखिए यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, हमने वो रोड बदल दिया था कि लैंडस्लाइड हुआ था उधर, तो इधर भी हमें लैंडस्लाइड देखने को मिला, कि यहाँ पे ना ऐसा होता रहता है मॉनसून में, सो बी केयरफुल।
लोग जिस जगह जा रहे हैं ना, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो दार्जिलिंग में भी सबसे ऊपर है, और इसके जो रोड्स है ना वो बिल्कुल चढ़ाई, सीधी चढ़ाई है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। बीच में इतनी अच्छी व्यू थी लेकिन वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहाँ वीडियो बनाना बना है, तो मैं थोड़े से आगे आके ना फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और ये देखिए आ गए हम लोग गेट के बिल्कुल सामने, और आप लोग अब तक तो गेस कर ही चुके होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। और कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप सबको पता चल ही जाएगा क्योंकि ये जगह तो एक ना एक बार सभी ने देखी है, और ये मेरा दावा है कि ये जगह देखने के बाद ना आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ से। ये देखिए हम लोग आ गए हैं एकदम गेट के सामने, और अब हम लोग करने वाले हैं एंट्री। यहाँ देखिए बोर्ड भी लगा था कि यहाँ से आगे जाना बना है, पर हम लोग को स्पेशल परमिशन मिला क्योंकि ये वाली जो स्कूल है किसी स्कूल के टीचर है अंकल, और इस स्कूल के केमिस्ट्री टीचर है अंकल। अब आप लोगों को तो पता चल ही होगा कि मैं कौन से स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए ये कैंपस आप लोग को जाना पहचाना तो ज़रूर लग रहा होगा, ये कैंपस आपने बहुत सारे मूवीज़ में देख रखी है, लेकिन जो सबसे फेमस मूवी थी वो थी मैं हूँ ना। यस, मैं हूँ ना की शूट इसी स्कूल में हुई। मैं आई हूँ सेंट पॉल स्कूल में जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और सिर्फ मैं हूँ ना ही नहीं, इस स्कूल में तो बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। बर्फी की शूटिंग हो चुकी है, एक बंगाली मूवी है उसकी भी शूट हो चुकी है, और भी बहुत सारे, मैं तो गिन के भी नहीं बता सकती कितने। और जो हम लोग टीवी में या मूवी में तो देखते हैं ना, जो उसकी ब्यूटी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, ये ट्रस्ट मी। और सबसे अच्छी और फनी बात पता है क्या है कि जो मैं हूं ना मूवी है ना, उसमें सुष्मिता सेन का जो कैरेक्टर है केमिस्ट्री टीचर का, वो यही वाला कैरेक्टर है जो अंकल जो टीचर है उन्हीं का कैरेक्टर निभा रही थी सुष्मिता सेन। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रील और रियल लाइफ में कितना फ़र्क होता है। यस, यहाँ आने की ना एक स्पेशल वजह थी, हमारी लक्ष बाबू हमारे लड्डू, उनको कुछ चीज़ें थी जो पहुँचानी थी क्योंकि वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक्चुअली ही इज़ वेरी लकी क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ने का चांस मिला। बाय द वे उनसे हम मिले, उनको वो चीज़ दिए, और फिर ये देखिए हम लोग आ गए थे इस घर में। ये घर, इस पे ना मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी, उसमें मैं सारी डिटेल्स मेंशन करूंगी। और फिर रात के 12 बजे कटी मेरी बर्थडे केक। यस, आज मेरा बर्थडे था और मेरे हस्बैंड ने ये प्लान किया था सरप्राइज़, मुझे पता भी नहीं था वो कब केक लेके आए थे। तो रात को 12 बजे अचानक से बोले थे कि केक काटना है, चलो बर्थडे विश कर रहे थे, और ये मैंने केक काटी। और एक्चुअली ये ना मेरी लाइफ यादगार बर्थडे बन गई क्योंकि ऐसी जगह पे, हाँ, और अंकल आंटी सब साथ में थे, हम सब गए। और थैंक यू सो मच आप सबको और अंकल को आंटी को, इतनी अच्छी जगह पे हमें रहने का मौका मिला सिर्फ उनके वजह से, यहाँ नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बताइएगा कैसा लगा, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।
और हाँ, ये मेरे वीडियो का सिर्फ फर्स्ट ही पार्ट है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने अगले दिन दार्जिलिंग में क्या क्या किया। सो स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी अगली ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाली है जो कि इस ब्लॉग की पार्ट 2 होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी बर्थडे।